अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे कलर रिप्लेसमेंट। कलर रिप्लेसमेंट या कलर चेंज करना हो, कोई भी मॉडल इमेज हो, कोई भी प्रोडक्ट हो हमारा, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, बस हमें जस्ट कलर चेंज करना है, सो वो हम करेंगे। फिलहाल मैंने कुछ टी शर्ट डाउनलोड की अपने पास, सो हम इस पर ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इमेज जो भी होगी आपकी, वो आप इसे ओपन करेंगे और W के बटन प्रेस करेंगे या टूल बार से क्विक सेलेक्शन टूल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्लिक करके इस तरह ड्रैग करके सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा एरिया ज़्यादा होता है, जो प्रोडक्ट होता है हमारा, या टी शर्ट हो या कुछ भी हो, उसके लिए हमारे पास न्यू वर्जन में ये ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं जैसे ही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा, ये मुझसे पूछेगा कि आपका जो सिलेक्शन है कंटिन्यू करना चाहते हैं, सो हम यस करेंगे। यस करने के बाद अब हमारा जो भी इमेज होगा, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, वॉइस बेस को छोड़ के उस सब की सिलेक्शन हो जाएगी। ये देखिए, अब ये पूरे जो 5 शर्ट्स थी हमारे पास, सब की सब सेलेक्ट हो गई। लेकिन मुझे सब शर्ट्स नहीं चाहिए, मुझे जस्ट एक चाहिए, सो मैं अंडू कर रहा हूँ और मैं क्लिक करके या माउस का ड्रैग करके इस तरह मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्शन करने के बाद अब ये एरिया मेरे पास सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद हम इस पर फीदर अप्लाई करेंगे, हम इस एरिया को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो रेड शर्ट है इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लें। और मैं आप इस पर फीदर अप्लाई करूँगा, शिफ्ट प्लस F6, ठीक है। फीदर सेलेक्शन, यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 0.1 या 0.2 अकॉर्डिंग टू इमेज क्वालिटी, ठीक है। सो हम इस पर 0.3 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, सो हम 0.3 कर देते हैं और उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल जे मींस कॉपी, जो एरिया हमारा सेलेक्ट होगा उसकी कॉपी बन जाएगी। यहाँ हमारे पास एक लेयर बन चुकी है, ठीक है। मैं बैकग्राउंड वाली लेयर को हाइड कर रहा हूँ और ये देखिएगा ये जो हमने सिलेक्शन लिए, अच्छा इसकी जो एजेस है ये आप देखिएगा, एजेस थोड़े सॉफ्ट नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से लिए हैं। अगर आप पेन टूल में अच्छे हैं, आपके पास टाइम है, आप पेन टूल करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली पेन टूल कीजिए, क्योंकि उससे जो शर्ट की सिलेक्शन होती है बहुत प्रॉपर और अच्छे तरीके से होती है। अच्छा, इस इमेज के साथ अब हम एक ऑप्शन है हमारे पास, इसे थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आऊँगा लेयर में और यहाँ है हमारे पास मैटिंग, ठीक है। मैटिंग में जैसे ही आएंगे यहाँ आएगा रिफाइंज, ठीक है। ये है हमारे पास विड्थ 1 पिक्सल्स है, सो हम इसको 2 पिक्सल्स करके ओके कर देते हैं, ठीक है। सो इसके जिस थोड़े से बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये सेलेक्ट हो चुका है, मैं डिफरेंट लेयर पर काम कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा सिलेक्शन ले रहा था। लेकिन जस्ट हम आगे चलते हैं, ब्रश टूल में हमारे पास एक टूल है कलर रिप्लेसमेंट टूल, ठीक है। कलर रिप्लेसमेंट टूल हम जैसे ही पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इसका ब्रश साइज़ यहाँ होगा, हम ब्रश का साइज़ छोटा कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास कलर्स है, ये नेवी ब्लू टाइप कलर है, सो हम इसी को अप्लाई कर लेते हैं। सिंपली मैंने जस्ट क्लिक करना है और इस पर कलर अप्लाई करना है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, माउस का बटन एक ही बार आप प्रेस कीजिएगा और उसके बाद रिलीज़ नहीं करना जब तक आपका पूरा एरिया कवर नहीं हो जाता, ठीक है। अब मैंने एक ही बार में 1 क्लिक में इसका कलर रिप्लेस कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस एरिया पे बार बार क्लिक करता रहूँगा तो इसका कलर और इसके जो इफ़ेक्ट्स वगैरह है वो यहाँ से डार्क होते जाएंगे और किसी भी टाइम पे, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट होते जाएंगे और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं इन सबको अंडू कर रहा हूँ और हमने जो 1 टाइम किया था मैं सिर्फ वहाँ तक आना चाह रहा हूँ, अब ये हमने 1 टाइम में इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। सो इस तरह हम किसी भी शर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं अगर बाय डिफ़ॉल्ट दिखाना चाहूँ आपको, ये हमारी ग्राउंड लेयर है और ये हमारी कलर वाली लेयर है, ठीक है। अब बाकी जो जितनी भी शर्ट्स थी सबका कलर सेम है, जस्ट इस एक का कलर हमने चेंज किया है, ठीक है। अच्छा, कलर रिप्लेसमेंट टूल में एक जो एरर है जो मुझे लगता है वो ये है कि कुछ कुछ कलर्स पे उसके इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये लाइट कलर है, लाइट ग्रे, ठीक है। मैं अगर इसको सेलेक्ट करके इसकी सिलेक्शन लूँगा, मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से,
जूम कर रहा हूँ, और ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं पूरी शर्ट के वो भी सेलेक्ट हो सकें। ठीक है, ये अब हमारी प्रॉपर सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इस पे ये कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो अगेन हम कलर रिप्लेसमेंट टूल में आके कलर रिप्लेसमेंट टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद अब मैं इस पे कलर अप्लाई करूँगा। सो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ हमारे पास ये कलर पर्पल के शेड में आए हैं, वो भी लाइट कलर, क्योंकि हमारे पास जो कलर शर्ट का कलर था वो लाइट था। सो इस वजह से कलर रिप्लेसमेंट टूल ने भी उस पर लाइट कलर अप्लाई किए हैं। ठीक है, अगर मैं इस शर्ट का कलर दिखाऊं, ये देखिएगा, ये हमारा कलर था। ठीक है, और यहाँ ये कलर आया, दोनों में कलर सेम था बट ये डिफरेंट था। सो कलर रिप्लेसमेंट टूल में ये एरर आता है कभी कभार। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेट है कलर चेंज करने का, वो क्या है, वो अब जैसे हमने इसकी सिलेक्शन ले ली है, सिलेक्शन लेने के बाद इस पर फीदर अप्लाई करेंगे 0.1, ओके करेंगे और इसको कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे, बल्कि पहले हम ग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे और अब हम कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास सेपरेट शर्ट सेपरेट हो चुकी है डिफरेंट लेयर पे। ठीक है, सो मैं अब इस पर कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, यही ब्लू कलर। सो मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बनाऊँगा। ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया मैंने और उस पर मेरे पास यही कलर अप्लाई है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और ये जो कलर है इसको मैं शर्ट के इस साइड पर रख देता हूँ ताकि दोनों में मतलब कलर मैचिंग का हमें बखूबी अंदाज़ा हो। सो मैं अब इस शर्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और इसके बाद हम आएंगे कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल यू सेचुरेशन से हम इसका कलर चेंज करेंगे। अगर आप शॉर्टकट भूल जाते हैं सो आप आएंगे लेयर्स में, न्यू इमेज में, मोड, और मोड में हमारे पास एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में होगा हमारे पास ह्यू या सेचुरेशन, कंट्रोल प्लस यू, ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, सो क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके से टैब ओपन होगा। ठीक है, अच्छा, हमारा अगर कोई फॉर एग्जांपल सेलेक्टेड कलर है जैसे कि नेवी ब्लू है इस वक्त हमारा, ठीक है, तो उसके लिए हमें हमेशा यहाँ चेक लगाना होगा। ठीक है, अगर हमें उसे कलराइज पे करना है तो हम यहाँ कलराइज पे चेक लगाएंगे। सो हमारे पास वही लाइट कलर अप्लाई हो चुका है। अब हम इसकी जो हुई है, जो मतलब कलर्स है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे ना ही उसकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ तो वो डिफरेंट मोड्स पे जा रहा है। ठीक है, अब ये पर्पल कलर पे आ रहा है, पिंक कलर पे आ रहा है, ये ग्रीन कलर पे, ये येलो पे, ऑरेंज पे, इस तरह ये सारे कलर्स के वेरिएंट्स यहाँ शो हो रहे हैं। सो मैं अंडू कर रहा हूँ, हमें इसके कलर चेंज नहीं करने, हमें जस्ट ब्राइटनेस और या लाइटनेस कहें या सेचुरेशन, हमें जस्ट इसमें इसकी वैल्यूज़ को एडजस्ट करना है। ठीक है, सो हम यहाँ से अब इसकी सेचुरेशन को बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ताकि डार्क की तरफ थोड़ा सा आए। ठीक है, ये डार्क की तरफ आ गया, फिर हम लाइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि ये भी थोड़ा सा मज़ीद डार्क हो जाए, इतना डार्क के हमारे कलर के क्लोज आ जाए। ठीक है, अब ये देखें, इस तरीके से भी हम अपना कलर सेचुरेशन की मदद से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगेन इस वाली लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो हमारी ये लेयर थी। अगर इस पे मुझे कोई और कलर करना है, मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ, इसे टॉप पे ले आता हूँ और ये कलर हम इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। सो मैंने ये कलर सेलेक्ट किया इसे। ठीक है, और लेयर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू प्रेस करेंगे अगेन, यहाँ से कलराइज़ करेंगे। ठीक है, और कलराइज़ करने के बाद अब हमारा कलर तो सेलेक्ट हो चुका है, हमें जस्ट इसे लाइट करना है, थोड़ा सा ब्राइट करना है। ठीक है, इसे हम ग्रीन की ट्यून में रखेंगे, जस्ट लाइट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अमूमन ख्याल रख लीजिएगा कि अगर जो हमारे लाइट्स कलर्स होते हैं, जैसे कि ये हमारा ये लाइट कलर है, सो इसको हम एक इफेक्ट में अप्लाई नहीं करेंगे, इस पे ऊपर हमें दो तीन लेयर्स अप्लाई करनी होगी तब जाके हमारा ये कलर बनेगा। लेकिन अगर हमारा कोई डिफरेंट कलर है, कोई डार्क कलर है, जैसे कि हम ऑरेंज कलर कोई ले लेते हैं, ये ऑरेंज टाइप कलर है हमारा। ठीक है, मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ इस सर्कल पे, इस रेक्टेंगल पे। ठीक है, अब मैं इसे चेंज करना चाहूँ सो यहाँ से कलराइज करेंगे और इसकी पहले उसको हम यहाँ से डार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये लाइट की तरफ होगा और यहाँ ये डार्क की शेड में आएगा। ठीक है, अब यहाँ इसकी वैल्यूज़ को यहाँ से चेंज करेंगे। अब ये हमारी वैल्यूज़ के कुछ क्लोज आ गए। अब आप रेक्टेंगल को भी देखिए और अपनी शर्ट को भी देखें। ठीक है, दोनों के कलर्स में थोड़ा सा फ़र्क है, सो हमें इसे
मैनेज करना है, ठीक है। हम यहाँ लाइटनेस इसको मैनेज कर सकते हैं। सो अब ये कलर इसके काफ़ी क्लोज हो चुका है, ठीक है। सो हम इस पर ये कलर भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं रेक्टेंगल को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक और तरीका भी होता है कलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अब ये सिलेक्शन है, ठीक है। मैं इसकी सिलेक्शन दोबारा ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस लेयर को पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मेरे पास ये लेयर सेपरेट है, सो ये सेलेक्ट हो गए। अगर मुझे यहीं से कोई कलर इस पर अप्लाई करना है, सो मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ और प्लस बैक स्पेस। अब ये देखिए, इसमें जो सिलवटें वगैरह जो शो हो रही थी, लाइंस वगैरह जो आप देख रहे हैं, शेड्स वगैरह आप कह सकते हैं, स्लीव्स वगैरह के, मतलब सारे पोर्शंस क्लियरली शो हो रहे थे। सो वो अब हमें शो नहीं होंगे, क्योंकि ये एक सॉलिड कलर यहाँ अप्लाई हो चुका है। सो इसलिए हम कलर रिप्लेसमेंट टूल का मुंतखब करेंगे, कलर रिप्लेसमेंट टूल को, और या फिर हम सेचुरेशन की मदद से इसका कलर चेंज करेंगे। और अगर आपने कोई अपनी मर्ज़ी के कोई कलर यहाँ से रखना है, जैसे कि आपकी कोई सेलेक्टेड थीम नहीं, सो आप यहाँ से फिर अपना कोई भी कलर चेंज कर लीजिए, ठीक। मुझे ग्रीन में चाहिए, आप ग्रीन में ले सकते हैं। डार्क में चाहिए, आप डार्क यहाँ से, आप लाइट और डार्क यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से भी हम इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमें अगर ये कलर चाहिए, सो हम यहाँ के ये कलर भी लाइट और डार्क भी कर सकते हैं। सो हम इस तरीके से कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था हमारे पास सिंगल और सॉलिड कलर टी शर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट एक है मेरे पास, ये इमेज है, इसमें कुछ कर्टेंस व्यू के पार्ट्स है, मतलब यानी डिफरेंट कलर्स है, 1, 2, 3, 4 कलर्स हैं, ठीक है, इस शर्ट में। और ये जो शर्ट थी हमारे पास, इसमें जस्ट एक ही कलर था। सो हम इस पर कैसे कलर अप्लाई करेंगे, सेम वही पेन टूल से हम इसकी सिलेक्शन लेंगे, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं पेन टूल से सिलेक्शन नहीं ले सकता। सो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी सिलेक्शन लूँगा, क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से, सॉरी। सो मैंने सिंपली यहाँ क्लिक किया, इस एरिया को भी क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इस पर फीदर अप्लाई करूँगा, ठीक है, 0.1, और कंट्रोल जे से ये आ गया हमारा बिलो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दोबारा इस ग्राउंड वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम सेकंड जो पार्ट है इसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब इसकी सिलेक्शन लेंगे, ताकि हम इसको भी सेपरेट कर सकें। इस पर भी हम फीदर अप्लाई करेंगे और कंट्रोल जे प्रेस करके इस पर हम लिख देते हैं येलो, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास वाइट का, इसे हम जूम कर रहे हैं थोड़ा सा, ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ताकि आपकी सिलेक्शन प्रॉपर हो। अब हमारे पास ये इमेज भी, ये पार्ट भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होते हैं, उसे आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके उस सिलेक्शन को लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मेरा ये वाइट का पार्ट भी सेलेक्ट हो गया, सेम इस पर भी फीदर अप्लाई करूँगा और कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे, और इस पे हम लेयर का नाम लिख देंगे वाइट। अब हमारे पास लास्ट जो लेयर है ब्राउन, सो क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो जो एरिया हमें नहीं चाहिए, जो कि डिफरेंट कलर्स है, अब जैसे कि इसमें बेल्ट शो हो रहा है, सो हम इसे डिसेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन रिमूव कर लेते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा, पेन टूल से क्रॉपिंग कीजिएगा, ठीक है, सिलेक्शन फ्रेम टूल से बनाइएगा, ताकि आपकी क्रॉपिंग अच्छी से हो और आप ठीक से कलर उसमें रिप्लेस कर सकें। शिफ्ट F6, फीदर अप्लाई हो गया, कंट्रोल जे, डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। और ये है हमारा ब्राउन, ठीक है। हमारे पास 4 डिफरेंट कलर्स हो चुके हैं, ठीक है। फिट टू स्क्रीन कंट्रोल प्लस यू से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ब्लू का कलर चेंज कर लेते हैं कलर रिप्लेसमेंट टूल से, ठीक है। ब्लू के लिए हम ऑरेंज कर लेते हैं। अब जैसे कि देखें, मैंने कहा था कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, मतलब कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिस पे कलर रिप्लेसमेंट टूल प्रॉपर काम नहीं करता। सो अब हम मैंने इस पे ऑरेंज अप्लाई किया, सो ये अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं ये ब्राउन पार्ट यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, सो देखते हैं। अब देखिए, ये ब्राउन पार्ट मैंने ऊपर अप्लाई किया टॉप वाले पोर्शन में, सो ये अप्लाई हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है हमारे पास येलो, येलो में हम इस पार्ट को अप्लाई करेंगे। सो देखिएगा, यहाँ ये कलर अप्लाई हो गया है, ठीक है।
अच्छा, ये अब जैसे मैंने सबकी जो सिलेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे रखी है, सो इस वजह से कलर रिप्लेसमेंट टूल फ़ौरन इससे कर रहा है। लेकिन अगर मैं इन चारों लेयर्स को यहाँ से रिमूव कर दूँ और अब कलर रिप्लेसमेंट टूल से करूँगा, सो अब वो देखिए सब पे अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई एरिया सेलेक्ट ही नहीं किया। सो इस बात का ख्याल रखिएगा, पहले आप सिलेक्शन लेके रखिएगा, ठीक है। सो अब आएंगे हम वाइट वाले पार्ट में, और वाइट वाले पार्ट पे भी हम ब्लू कलर अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि हमारी ये जीन्स का कलर है, आई ड्रॉपर पेन टूल की मदद से, और कलर रिप्लेसमेंट टूल सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे देखें वाइट पार्ट पे भी कलर रिप्लेसमेंट टूल अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इस पर ये ब्राउन वाला कर देता हूँ, वो भी अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, ब्राउन वाले भी लाइट हो रहा है। इसके बाद मैं आता हूँ ब्राउन वाली इमेज पे, ब्राउन वाले लेयर पे, और ब्राउन वाले लेयर पे हम ये ब्लू वाला पोर्शन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ब्राउन पे ब्लू अप्लाई हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो आप इन चारों लेयर्स को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और मर्ज कर दीजिए Ctrl+E, ठीक है। वैसे तो राइट क्लिक करके भी यहाँ मर्ज का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, ये रहा मर्ज लेयर्स, मर्ज लेयर्स करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अब आप देखें बिफ़ोर और आफ्टर। अब इस लेयर को मैं हाइड और अनहाइड करके दिखा रहा हूँ, तो आप देखिएगा हमारे कलर्स दोनों चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर हमें इसकी डुप्लिकेट बनानी है, सो मैं सी के बटन मैंने प्रेस किया और कैनवास का साइज़ मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। और इस इमेज को मैं, क्योंकि मैंने इस इमेज की जस्ट सिलेक्शन ली थी, सो पहले मैं यहाँ एक वाइट ग्राउंड लगा लेता हूँ, ठीक है। वाइट ग्राउंड लगाने के बाद अब हम इस इमेज को यहाँ भी कॉपी कर लेते हैं इन दोनों को, बल्कि मैं रेक्टेंगल को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से कैनवास का साइज़ मैं दोबारा से छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने लेयर अप्लाई की थी इस वाली इमेज पे, सो ये लेयर जो ब्लू वाली है, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। सो अब ये देखिएगा दोनों में कलर रिप्लेसमेंट हो चुकी है, ठीक है। सो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कलर रिप्लेसमेंट के, एक होता है टूल बार में, ब्रश वाली टूल बार में हमारे पास है कलर रिप्लेसमेंट, और सेकंड है हमारे पास इमेज में एडजस्टमेंट। अभी ऑप्शन शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, सो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया। अब हमारे पास होगा एडजस्टमेंट एंड देन सेचुरेशन, ठीक है, Ctrl+U उसका शॉर्टकट है, ठीक है। अगर आप कोई कलराइज़ करेंगे, सो आप ये देखिएगा कलराइज़ पे मैंने क्लिक किया, सो हमारे पास यहाँ कलर सेलेक्ट था, इसलिए कलर इस पर अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ से इसको डार्क या लाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कलर नहीं है, आप सिंपल यहाँ से करना चाहें, सो आप यहाँ से भी इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त मेरे पास कोई सिलेक्शन नहीं है क्योंकि ये हमारे पास पूरी एक लेयर है, ठीक है, पूरी लेयर है, सो इस वजह से कलर पूरी लेयर्स पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आपको जो कलर ठीक लगे फिर आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आएगी होगी, इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।